रिक्वायरमेंट और फॉर द सिटी. हम अपना घर अपने अगर हम इसको समझेंगे दैट शुड बी मोर एफिशिएंट और द मोस्ट एफिशिएंट वर्क जो हम कर सकते हैं. हम अपना समझेंगे जैसे हम अपने घर को करते हैं, अगर हम सिटी को भी अपना समझेंगे तो हम उसको क्लीन रखेंगे. दैट इज़ द मोस्ट नेसेसरी स्टेप. ऐसा ही था. और भी कुछ स्टेप्स हैं जो पब्लिक अवेयरनेस है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी. कि अगर लोग अवेयर होंगे तो ही वो सब कुछ करते हैं. बाकी जो सारे स्टेप्स हैं दीज कम्स आफ्टर दिस स्टेप. कि जो भी स्टेप्स है जैसे भाई वाहनों को हमें नहीं खड़ा करना, अगर हम अपनी मतलब जो अंतरात्मा से ये पूछेंगे क्या ये करना अगर सही है तो हम पाएंगे कि ऐसा गलत है वास्तव में. तो अगर हमें अवेयरनेस है, अगर हम अपनापन समझते हैं तो हम मोस्ट एफिशिएंटली स्मार्ट सिटी की फॉर्मेशन में अपनी भाग जो भागीदारी है वो दर्ज करवा पाएंगे. कुछ और स्टेप्स हैं सर पर्यावरण से, जैसे मैं संबंधित रखता हूँ कि इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टेप्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. जो पॉल्यूशन है वो बीमारियों का कॉज है, और अगर हम बीमार होंगे तो हम कोई भी काम जो हमारा हम स्टेप्स हैं हम सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम सभी को अवेयर कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा इफ़ वी आर नॉट वेल. अगर हम सही नहीं हैं, हम हेल्दी नहीं हैं, तो हमारे जो सारे स्टेप्स हैं वो डम्प हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे. तो अगर हम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्योर होगा, वो अनपोल्यूटेड होगा, वी कैन वर्क मोर बेटर. आफ्टर दैट बायोडिग्रेडेबल जो जैविक कंकाड़ी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ताकि जो जैसे पॉलीथीन है प्लास्टिक है वो क्या करते हैं कि वो गंदगी फैलाते हैं. हम देखते हैं कि क्योंकि वो डिग्रेड तो होते नहीं, उनका ब्रेकडाउन तो होता नहीं, तो वो इन्वायरमेंट में यू के यून फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन वो पड़े रहते हैं और उनका ब्रेकडाउन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है वो जो करते हैं फंगस वगैरह तो वो नहीं होता है. तो वी शुड स्ट्रिक्टली हम ये कहें कि भाई आपको ये करना ही करना है, आपको पॉलीथीन और प्लास्टिक्स ये चीज़ें यूज़ कम से कम करनी है. अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमरजेंसी है तो वी कैन यूज इट, अदरवाइज हम नहीं करें. हम अपने बैग्स लेकर जाएं, जूट बैग्स को हम पब्लिक से कहें या इसके लिए हम फाइन लगाएं पब्लिक के ऊपर कि अगर आप पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं मार्केट में तो आपको 200 रुपये 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा. हम अच्छी तरह से अपने सिटी को क्लीन कर पाएंगे और बेटर कर सकते हैं. वुमेन सेफ्टी के बारे में बात आई थी अभी, तो वुमेन सेफ्टी क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे क्लासेस में या हमारे रोड पर कोई हम पे कमेंट करता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. वहाँ से शुरू होती है ये जो बातें होती हैं या जो गलत होना होता है. हम उसी स्टेप पर अगर हम उसको क्लोज कर देंगे, उस चैप्टर को हम उसकी शिकायत करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे हम व्हाट्सएप पर या पुलिस से टीचर से जहाँ भी हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, अगर हम वहाँ करेंगे तो वो वहीं दब जाएगी बात, आगे के लिए जो कुछ होना ही है. दैट इज़ माई पर्सनल थिंकिंग. मैंने यह कहा कि ये एक्यूरेट है या नहीं है. वेरी थैंक यू टू यू. मेरा जो सजेशन है स्मार्ट सिटी के लिए, वैसे तो सबने बहुत कुछ बता दिया, जो सबसे मेन जो मैं बताना चाहूँगी जैसे कि हम अदर सिटीज में देखते हैं कि कार फ्री डेज मनाते हैं, वैसे क्यों ना हम अपने फरीदाबाद सिटी को भी एक दिन कम से कम एक कार फ्री डे मनाएं, तो ये उसके लिए सबसे बेटर रहेगा. सबने बहुत सारे सजेशन दिए. एक और सजेशन है जो कि मैंने बहुत पहले खुद ने इसे एक्सपीरियंस किया था और मुझे बहुत ही मतलब परेशानी उठानी पड़ी थी कि हर जगह पे प्रॉपर डस्टबिन अवेलेबल नहीं है रोड्स पे. क्योंकि मैं जब जाती थी उन दिनों तो मैं देखती थी कि हर मतलब मुझे कमी महसूस हुई कि हर एक किलोमीटर पे एक डस्टबिन तो होना ही चाहिए, ताकि जो नॉर्मल जो सिटीजन है जो आम नागरिक है वो उसमें अपने गार्बेजेस और जो पॉली बैग्स हैं जो रैपर्स हैं वो उसमें डाल सकें. तो उस वजह से और जब वो नहीं मिलता वो रोड में फेंकते हुए जाते हैं. इस वजह से क्या होता है क्लीनिनेस हमारी जो सफाई है जो हम साफ रखने का जो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने देश को हम अपनी सिटी को साफ रखेंगे वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो वहीं से गंदगी शुरू होती है. जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं कि भाई ये मेरा घर है मैं इसको साफ रखूंगा, तो हम मेरा घर से लेके मेरी गली है मेरा एरिया है मेरा देश है मेरा शहर है, इसी करके हम सिर्फ अपनी सिटी को ही नहीं हम अपने पूरे देश को भी इस तरह से पूरा साफ रख सकते हैं. ये एक तरीका है मेरे हिसाब से. और एक आता है कि विमेन सेफ्टी के ऊपर हम बात करते हैं जो अभी सबसे बर्निंग पॉइंट भी हर जगह लेते हैं. सर ने भी बताया जो मेन जो कमेंट्स यानी कि जो ईव टीजिंग है सर ने भी बिल्कुल बताया ईव टीजिंग. ये ईव टीजिंग हमारी वजह से भी हो सकता है क्योंकि अगर हमने वहाँ पे उन लड़कों को या जो भी हम पर वो टीज कर रहा है अगर हम उसे वहीं पे जवाब नहीं देते हैं तो उनकी हिम्मत जो है वो आगे भी बढ़ती
पर्टिकुलर मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई लड़की या लड़के पीछे बैठे हैं वहाँ पे पीछे भी कमेंट्स होते रहते हैं, तो लड़की का ये सबसे मोस्ट जो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे वहीं पर जवाब दे, अगर वो नहीं बता सके वो अपने किसी टीचर को कंप्लेन करे, देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज द स्मार्ट सिटी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट सिटी। आप सभी को सादर नमस्कार, मेरा नाम सारा जैन, एम कॉम फर्स्ट ईयर से। सर्वप्रथम मैं श्रीमान केपी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अग्रवाल कॉलेज को स्मार्ट सिटी के सजेशंस के लिए चुना गया। और केपी सिंह जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अग्रवाल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है अपने फरीदाबाद में जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ पढ़ता है, और पूरे फरीदाबाद को अगर कोई बदल सकता है तो हमारी यूथ है। सो आपने जैसे सजेशंस के लिए बोला गया है तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेके आया हूँ जिस पे हम काम करके इस शहर को और स्मार्ट बना सकते हैं। देखिए, स्मार्टनेस ना हमारे शहर में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको और स्मार्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक हाउस कीपिंग के बारे में बात करना चाहूँगा सर, कि अगर स्मार्टनेस में पहला पॉइंट हमारा आता है तो वो हाउस कीपिंग का आता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे चीज मैंने जो एनालाइज की कि चावला कॉलोनी में अगर कोई शॉपिंग करने जाता है तो कहीं भी एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है सर। उसके लिए क्या होता है, ग्राहक कहता है भाई साहब कहीं है कि ना टॉयलेट पास में, सॉरी सर यहाँ पर तो नहीं है। तो क्या जगह देखता है, या कोई कोना होगा या कोई ऐसी जगह होगी वहाँ जाते हैं, इट्स रियलिटी, सीरियस रियलिटी। तो कोई कोना देखता है या कोई कोना हो तो ज़्यादा। सो सर मेरी रिक्वेस्ट ये कि पहले हमें एक टॉयलेट चाहिए। दूसरा सर, एक जो मैंने चीज़ एनालाइज की, जब मैं कॉलेज आता हूँ तो मेरा टाइम 8:45-9 बजे का होता है, उस वक्त सफाई हो रही होती है, एक आदमी अपने ऑफिस के लिए सूट बूट पहन के तैयार होकर जा रहा होता है, और जब वो झाड़ू वाली आंटी हमारी झाड़ू लगा रही होती है तो आधा मूड तो सर वहीं खराब हो जाता है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सुबह 6 से 7 या मैक्सिमम 7:30 बजे तक सफाई हो जाए, सारी धूल सारी साइड एक साइड कर दी जाए, जिससे कि जो सुबह आदमी की दुकान खोल रहा है या ऑफिस जा रहा है या स्टूडेंट्स अपने कॉलेज आ रहे हैं तो उनको वो डस्ट फेस ना करनी पड़े। सर मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी। एक सर डंपिंग ऑफ गार्बेज, सबसे बड़ी दिक्कत जो आज है वो डंपिंग ऑफ गार्बेज की है। हम क्या देखते हैं, पड़ोस में एक प्लॉट खाली है, ये कूड़ा धाड़, या काम वाले वो कूड़े वाली आंटी नहीं आई, यार क्या करें, चल अपना कूड़ा गली के बीच में कर दिया, कोई आएगा उठा के ले जाएगा, नहीं आएगा तो हवा से ऐसे फैल जाएगा। तो डंपिंग ऑफ गार्बेज सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर से भी और आप सभी से भी, कि ऐसा ना करें कि हाँ मेरी दुकान है, मेरी दुकान का सारा आपने निकाला और बीच में कर दिया, गाड़ी आई उड़ा के आ गई ले गई, वो चीज़ बहुत गलत है सर। डंपिंग ऑफ गार्बेज के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, एक मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सेव अरावली। सर आज सारा फरीदाबाद का गार्बेज सेव अरावली, जो अरावली है वहाँ पर डंप किया जा रहा है। हमारी सिटी की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना वो अरावली है, एक प्राउड फील होता है अपने आप में कि इतनी बड़ी अरावली हमारे पास है, लेकिन वो आज डस्टबिन की तरफ बन गई है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, उस अरावली को और सुंदर बनाओ और गंदा नहीं। उसके बाद सर मेरी एक रिक्वेस्ट ये आपसे, कैंपेन लगाएं, अवेयरनेस फैलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने बहुत सारे कैंपेन करे, उससे बहुत अवेयरनेस आई, यूथ को आगे करा। अब तक सर किसी ने इतनी कैंपेन नहीं करी, अब तक कोई इतना स्मार्टनेस नहीं आई, स्मार्टफोन को हम यूज़ करते हैं लेकिन स्मार्ट सोच नहीं लाते। तो एक स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए एक स्मार्ट एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो सर एक कैंपेन अवेयरनेस कि हम हर किसी को बताएं कि सफाई की क्या मूल्य है, सफाई क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक सर मेरा अगला पॉइंट है, झुग्गी झोंपड़ियों के से ज़्यादा अट्रैक्शन है सर। यहाँ पे जो नहर है अपने यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कूड़ा करकट, और जो जितनी भी झुग्गियाँ हैं वो अपना कूड़ा सारा नहर में, अगर वो सारा कूड़ा नहर में ना जाके प्रॉपर डंपिंग हो सर, वो नहर बहुत साफ हो सकती है। साल में एक बार JCB लगती है सर, पूरा भर देते हैं उसको, अगर वो कूड़ा जाए ना अंदर तो कितना अच्छा हो जाए। तो सर एक चीज़ वो भी कि झुग्गी जॉब में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए। अगला सर मैं बात बताऊँ ट्रांसपोर्टेशन की, जैसा कि आपने आज बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑटोज वालों ने आज जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बहुत सराहनीय है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सर ये ऑटो वाले कह रहे थे जहाँ देखा वहाँ पर रोक दिया, 50% एक्सीडेंट्स ऑटो वालों की वजह से, अपना ऑटो चल रहा है एक सवारी दिख गई वहीं रोक दिया।
जो पीछे से आ रहा है कोई परवाह नहीं, पीछे गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, स्कूटी, साइकिल, कुछ भी आ रहा है कोई परवाह नहीं, अपनी एक सवारी मिलनी चाहिए 5 रुपए वाली और खत्म कर दी, पीछे कोई भी आ। तो सर ऑटो वालों ने बहुत अच्छा करा, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ऑटो वालों के लिए, बहुत बहुत सराहनीय है वो। अगली सर मैं बात करूँगा कि स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत जरूरी है सर समझना, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर। सर सभी के लिए लॉ एक होना चाहिए, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना मेरा चालान 100 रुपये का है तो किसी अमीर आदमी के बाप की औलाद का भी 100 रुपये का होना चाहिए। सर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक लाइव एग्जांपल, मदर कल गई, मेरी गलती थी, मैं हेलमेट पहन के नहीं जाता, मेरे पापा ने मुझे जरूरी काम से भेजा बाटा, तो मैंने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस वाले ने बोला अरे भाई कितने जा रहा है, सर बल्ला पड़ जाता था, अरे भाई हेलमेट कितना है, सॉरी मैं भूल गया, अरे भाई साइड डाल ले, सर साइड डाल दो भाई, पॉल्यूशन सर है सर, ड्राइविंग लाइसेंस सर है, पॉल्यूशन इंश्योरेंस सर वो भी है, अबे हेलमेट किधर है सर, पता है आप घर पे है, भूल के लाना, कहते भाई 100 रुपये चालान कटेगा, ठीक है हुजूर काट दो। सर इतने में एक फॉर्चुनर गाड़ी किसी होगी मतलब बिजनेसमैन के बेटे की, सर उस पर काले शीशे लड़े हुए थे, उसको रोका, उसने किसी से बात कराई अपने पापा से या किसी से, किसी मंत्री वाला से बात कराई होगी, ठीक है भाई सर जनाब जाओ, सर बहुत गलत लगा मुझे। आज अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अगर किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो मेरे लिए पेनल्टी है, लेकिन आज एक बिजनेसमैन का बेटा या किसी मंत्री का बेटा आज अगर वो लॉ तोड़ रहा है, अरे जनाब चाहिए आप तो उनके बेटे हैं, क्या ये सही है? तो सर एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर इक्वलिटी होनी चाहिए हर किसी के लिए, वो एक स्मार्ट सिटी का अच्छी पहचान है। सर मेरे पापा सर कुछ टाइम से भी सिंगापुर में है, तो उनसे कभी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बात होती रहती है, तो वो यही कहते हैं कि यार सागर असली रहना दो ना अपने सिंगापुर मलेशिया में। मेरे पापा क्यों, कहते हैं यार सिक्योरिटी सेफ्टी पॉल्यूशन नहीं है, गाड़ियों पर रोड पर गाड़ियाँ चलती है 100 की स्पीड पता नहीं चलता, कोई ब्रेकर नहीं। मेरे पापा ऐसे बात नहीं है, भारत हमारा ही बहुत अच्छा है, बस उसको बनाने की जरूरत है। सर टाइम है आपसे भी पता था, 5 मिनट और दूंगा मैं आपके। सर एक और भी बच्चे हैं, एजुकेशन सिस्टम ब्रीफ में ठीक है सर, एक एजुकेशन सिस्टम को और मैं अच्छे से बताना चाहूँगा कि एक छोटा एग्जांपल सर मैं आपसे लूँगा। सर अपने पास गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन सर उनमें प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एक स्मार्ट सिटी के लिए एजुकेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। सर आज 100 से 120 बच्चों पे एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, क्या आपको टीचर पढ़ा लेगा और क्या वो बच्चा पढ़ लेगा? अगर 30 बच्चों पे एक टीचर हो तो पूरा फोकस पूरी अटेंशन बच्चे की भी और टीचर की भी दोनों पे जाएगी। अब 120 बच्चों पे एक टीचर होगा, या तो वो ट्यूशन लगाएगा बच्चा या वो फेल होगा, वो एक काम होगा। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिले और हर बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि आपको पढ़ाकर कुछ बनना है और बन के इस देश को और स्मार्ट बनाना है। सर आज बच्चा DPS में जाता है या किसी बड़े स्कूल में जाता है क्योंकि वहाँ पे उसको एजुकेशन अच्छी मिलती है, वही एजुकेशन अगर हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाए तो क्यों किसी का माँ बाप नहीं भेजेगा? सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, फिनलैंड का एग्जाम्पल बोल सकता हूँ, फिनलैंड एक देश है, वहाँ पे एग्जाम देना चाहता हूँ, 95% ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि प्राइवेट इतना अच्छा नहीं कर पाता, वहाँ की गवर्नमेंट इतना एक्सपेंड करती है, इतना फोकस करती है, इतना अटेंशन देती है वहाँ पे कि 95% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के। सर तो सर हमारे इंडिया में भी ऐसा, हमारे शहर में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बने कि कहीं पर जाना ही ना पड़े, किसी बड़े कॉलेज में जाना ही ना पड़े, हमारा सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल। बात को ग्राम रखते हुए मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली, विजेता कोई अलग काम नहीं करते बट वो काम को अलग तरीके से करते हैं इसलिए वो विजेता है। नमस्ते सर, मेरी फ्रेंड ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स इतनी ब्रीफ की बता दी है कि आगे जाके मे भी वो कॉमन हो, बट जब मैंने सुना कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक प्रॉब्लम
मुझे आपसे शेयर करनी थी, उसके सॉल्यूशन आपसे बताना पूछना था। हाँ जी सर, आपसे कि सर हमारा कॉलेज का जो सेकंड गेट है वहाँ पे मोस्टली पब्लिक जो है वो उस एरिया को यूज़ करते थे अपने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पे एक गेट है वहाँ पे उससे क्या होता था। हाँ जी सर, हाँ जी सर, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज की तरफ से रोड भी बनाएगी ताकि ऐसा माहौल ना हो और हम गर्ल्स को कन्वीनियंस भी रहे, इजीली हम अपने घर से आ जाए और जल्दी कॉलेज पहुँच जाए और हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहे। बट सर हुआ ये कि वो रोड तुड़वा दी गई और उसके बाद उसका मलबा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया इस एरिया में कि जो चीज़ रोकने के लिए काम किया गया था वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। तो सर ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और अगर ये हो सके आगे कि हमारे वो उस एरिया का माहौल थोड़ा ठीक कर दिया जाए, थोड़ी कंस्ट्रक्शन पे जोड़ दिया जाए। सही है, मैम।